देखते हैं कितना पिकअप बाइक चल सकती है इस रोड पे। अभी मेरी बाइक जो है वो 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओह माय गॉड। हेलो एंड वेलकम टू नसीर ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है बजाज पल्सर NS160, जिसमें कि अभी हम विंडशील इंस्टॉल करने वाले हैं। जी हाँ, ये विंडशील जो आप देख रहे हैं यह स्टॉक विंडशील है AS200 या AS150 का। तो यही विंडशील जो है आज हम अपने NS160 में इंस्टॉल करने वाले हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसे हाथ में लेकर ही मालूम कर सकते हैं। यह ट्रांसपेरेंट है और यह काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है और बजाज के सारे विंडशील में सबसे महंगी विंडशील है ये। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो MRP है वो 455 का है। तो इसके लिए हम NS160 का स्टॉक जो विंडशील है उसे हम पहले दोनों साइड के एलेंकी को खोलकर इसे हम पहले बाहर कर लेंगे कुछ इस तरह से, और नीचे जो है वो दो लॉक दिया हुआ रहता है उसे हम रिमूव करेंगे। फिर कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलता है हमें बिना विंडशील का। नीचे दो लॉक दिया हुआ रहता है और ऊपर में दोनों साइड में एलेंकी दिया हुआ रहता है। और इस विंडशील को हम नए वाले विंडशील से नाप लेंगे और इसके साइज में मैच कराकर फ्रंट पे जो चार सुराख किए गए हैं उसी से मैच कराकर हम अपने पुराने वाले विंडशील में भी कर लेंगे सुराख। और यह कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा सुराख करने के बाद। और इसमें हम चार नट और बोल्ट को अच्छे से टाइट करेंगे, जो कि आपको पल्सर 150 में नट बोल्ट आते हैं, सेम नट बोल्ट लगे हुए हैं इसमें। ये कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। दो साइड में जो खुला हुआ है उसे हम वैसे ही छोड़ देंगे और इसे हम कुछ दूर बाइक को चलाकर देखते हैं। यह बिल्कुल फिट हो गया है, आप देख सकते हैं यह ज़रा भी हिल नहीं रहा है। बट इस बाइक को जो है मैंने कुछ चलाया तो मालूम चला कि इसका विंडशील जो है उतना प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट मेरे फेस पे या चेस्ट पे इसका विंड डायरेक्ट आता है। इसके लिए मैंने कुछ और मॉडिफिकेशन किया हूँ जो कि आप सामने देख रहे हैं। इसके स्टॉक विंडशील में जो है मैंने चार स्टैंड स्प्रिंग लगाया है ताकि इसको और हाइट कर किया जा सके कुछ इस तरह से। इसमें स्प्रिंग लगाने के बाद मैंने विंडशील को अटैच किया है, देख सकते हैं आप। इसमें ये दो नीचे छोटा सा विंड स्प्रिंग लगा हुआ है और ऊपर बड़ा बड़ा स्प्रिंग लगा हुआ है ताकि हम इस विंडशील के एयर को जो है अपने चेस्ट पे और फेस पे न लेकर फेस के ऊपर से उड़ा लूँ। तो यह कुछ इस तरह से टाइट कर लिया गया है और आप देख सकते हैं यह ट्रांसपेरेंट है। तो यह फिट होने के बाद जो है इसमें स्टिकरिंग का काम करना था हमें, तो मैं इसमें से कुछ स्टिकर सेलेक्ट करता हूँ, जो कि ये जो सामने ग्रीन कलर का है उसे मैं डिज़ाइन करूँगा और ये ब्लैक मैट ब्लैक जो है इससे विंडशील को अच्छे से कवर कर देंगे। तो चलिए इसमें स्टिकरिंग का काम जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हुई कंप्लीट इंस्टॉलेशन सेटअप। तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको यह लुक जो है वो कैसी लगती है। तो अब बारी है इस बाइक को हाईवे पर ले जाने की और चेक करने की कि यह विंडशील्ड हमें विंड ब्लास्ट से कितना बचाती है जब हम एक हाई स्पीड में होते हैं। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितना पिकअप बाइक चल सकती है इस रोड पे। अभी मेरी बाइक जो है वो 108, 109, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ओह माय गॉड। विंड ग्लास लगाने के बाद फ्रंट से जो एयर प्रेशर आती थी वो बहुत ज़्यादा बंद हो गई है। थोड़ा सा वाइब्रेट जरूर कर रहा है बट उससे कुछ इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि यह स्प्रिंग पे टाइट किया गया है तो कोई भी किसी भी तरह का आवाज़ तो आएगा ही नहीं। और ये थोड़ा सा हिल रहा है बट मुझे हेजिटेट नहीं कर रहा है।
यह विंडशील्ड काफ़ी अच्छा है और सामने से आ रही हवा से मुझे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, जिसका कि मैं आने वाले राइड में यूज करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे सिटी राइड में इस बड़े वाले विंडशील्ड का उपयोग नहीं था, इसलिए मैंने एक अलग से NS160 का स्टॉक के विंडशील्ड मंगाया है ताकि मैं इसे सिटी में यूज कर सकूँ। तो ये है वो छोटा वाला विंडशील्ड। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।